Good morning, student. Today we will start activity sheet from 16 to 20. बच्चों आज हम sheet number 16 से 20 तक activity, ये जो आपकी worksheet है इसके में activity करेंगे. Fine. चलिए first हमारा है color those animals that live in water. ये activity 16 है बच्चों. इसमें आपको यहाँ ऊपर तो अपना name लिखना है, यहाँ पे अपनी class और उसके बाद यहाँ आप अपनी आज की डेट लिखेंगे. फाइन, यहाँ डेट लिख लीजिए. नेक्स्ट इस पे दिया है कि कलर दोज एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर. आपको यहाँ पे एनिमल्स के डायग्राम दिए हैं बच्चों, ये सारे एनिमल्स बने हुए हैं. ओके, उनमें से केवल आपको वाटर एनिमल जो होते हैं बच्चों, जो पानी में रहते हैं वाटर एनिमल, उन पर आपको कलर करना है. ओके, जैसे फर्स्ट है फिश. यहाँ पे आपको कोई भी आपको फिश का जो रंग पसंद हो बच्चों, आपको जैसे मैंने ऑरेंज कलर किया है, तो आप भी इसमें फिश वाटर में रहती है बच्चों, पानी में रहती है, तो इसमें आप कलरिंग करेंगे. ओके, नेक्स्ट रैबिट नहीं करेंगे, डॉग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाटर एनिमल नहीं है. ओके, उसके बाद है व्हेल. व्हेल फिश जो होती है बच्चों, इसमें आप कलर करेंगे इस तरह से, ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है. तो आप व्हेल में भी फर्स्ट आप इसमें कलर करेंगे, सेकेंड आप इसमें भी कलर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्रोकोडाइल एंड टॉर्टाइस. टॉर्टाइस में भी आप कलर करेंगे बच्चों, ये भी पानी में रहता है. और उसके बाद क्रोकोडाइल में जिनको ग्रीन कलर कर देना बच्चों, क्योंकि क्रोकोडाइल भी ग्रीन कलर का होता है, तो ये भी पानी में रहता है, इसे आप ग्रीन कलर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ऑक्टोपस. ये डायग्राम छोड़ते जाना बच्चों, क्योंकि ये एनिमल्स वाटर में नहीं रहते हैं, पानी में नहीं रहते हैं, ये वाटर एनिमल्स नहीं हैं, इन्हें छोड़ देना. ठीक है, और ये है ऑक्टोपस. ऑक्टोपस बच्चों वाटर में रहता है, पानी में, तो इसमें भी आप कलर करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर्पल कलर किया है, आप भी अपनी पसंद का कलर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ये शार्क फिश है, इसे भी आप कलर करेंगे इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ ब्लू, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू किया है, और यहाँ थोड़ा ब्लैक सा किया है. ओके, तो ये भी वाटर एनिमल है, तो इसे भी आप कलरिंग करेंगे. तो इस पेज में आपको ओनली वाटर एनिमल्स पे कलरिंग करनी है. ओके, जैसे फिश 1, 2, कॉफी ये 3, टॉर्टाइस 4, 5 एंड 6. ये 6 जो पिक्चर है बच्चों वाटर एनिमल्स की, इनमें आप कलर करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज, एक्टिविटी शीट नंबर 17. एक्टिविटी शीट नंबर 17 बच्चों ये रहा. इसमें आपको क्या दिया है बच्चों, देखिए ध्यान से. ऑब्जर्व केयरफुली एंड सर्किल द डिफरेंट वन इन ईच रो. आपको क्या करना है बच्चों, ये यहाँ पे देखिए, एक एक रो के अंदर 4-4 डायग्राम्स, 4-4 पिक्चर्स बनी हुई है. ओके, 1, 2, 3, 4 इस तरह से. इनमें से आपको उस पर सर्किल करना है जो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पे 4 डायग्राम्स दिए बच्चों, इनमें से 3 तो बिल्कुल सेम होंगे, 3 पिक्चर्स तो एक सी होंगी, बिल्कुल सेम होगी, लेकिन एक वन पिक्चर, कोई भी एक पिक्चर ऐसी होगी जो उन तीनों से बिल्कुल अलग होगी. ठीक है, उन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट होगी, अलग होगी, अलग सा डायग्राम होगा. तो उसको अपन को क्या करना है, सर्कल करना है. देखिए अब ये ध्यान से कि जैसे डॉग के डायग्राम्स बनाए, पपी बने हुए हैं. ठीक है, अब 1, 2, 3 ये तीनों तो सेम है, बिल्कुल एक से लग रहे हैं, और ये वाला जो है डॉग, ये बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है, और ये बैठा भी इस साइड है. ओके, इस तरह फेस करके इस तरह, तो इसको हम सर्कल कर देंगे. आपको केयरफुली ध्यान से देखना है बच्चों, और उसके बाद इसे करना है. नेक्स्ट है बच्चों डक. देखिए ये डक इस तरफ साइड, इस साइड फेस है इसका, इसका भी इस साइड ही फेस है. इस वाली 4th जो डक है बच्चों, वो भी इसी साइड फेस है, और तीनों सेम है. ठीक है, तीनों सेम है बिल्कुल, लेकिन जो ये वाली 3rd नंबर की जो डक दी है बच्चों, इसका फेस इस तरफ है, राइट साइड. ठीक है, और ये इनसे डिफरेंट है, अलग है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे. आप भी इस तरह से सर्कल करते जाना अपनी एक्टिविटी बुक में, वर्कशीट में. नेक्स्ट देखिए बच्चों बटरफ्लाई. बटरफ्लाई बच्चों ये 1, 2, 3 ये तीनों तो ब्लू कलर की है, और सेम है बिल्कुल बटरफ्लाई. और जो ये 4th नंबर, ये 1st नंबर पे जो दिए बच्चों, ये अलग कलर के, देखो ऑरेंज कलर और ब्राउन कलर से बनी हुई है ये, तो ये इन सब से, इन तीनों से बिल्कुल चेंज है, अलग है, तो इसको सर्कल करेंगे. इसमें आपको यही बोला गया है कि जो रोज में जो डायग्राम दिए हैं, उनमें जो बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर है, बिल्कुल अलग बनी हुई है, उसको सर्कल करना है. नेक्स्ट देखिए बच्चों पिकॉक्स के डायग्राम है. 1, 2, 3 ये 3 पिकॉक्स से बिल्कुल सेम है, इक्वल है. अब ये देखिए 4th नंबर वाला पिकॉक, ये बिल्कुल डिफरेंट है, अलग बनाया हुआ है बिल्कुल एक साइड से. ओके, ये तीनों डायग्राम्स पे पिकॉक क्या कर रहा है, डांस कर रहा है. ओके, और यहाँ पे ये सिर्फ खड़ा है इस तरह से, तो इसको आप सर्कल कर देना है, क्योंकि ये डायग्राम बिल्कुल चेंज है. फाइन,
इतना करने के बाद बच्चों नेक्स्ट पेज पे टर्न करेंगे हम। एक्टिविटी शीट नंबर 18 देखिए, इसमें आपको दिया है बच्चों कलर ओनली दोज पार्ट ऑफ द पिक्चर्स दैट लुक रेड। ये जो डायग्राम्स बच्चों ये दिए होंगे आपके बिल्कुल ब्लैंक दिए होंगे, इसमें आपको ये करना है कि जो ये पिक्चर्स बच्चों देखो फ्रूट्स के भी हैं, इसमें फ्लावर्स भी है, ठीक है, एक ये लेटर बॉक्स भी दिया है, तो इसमें आपको इनमें जिसमें जिस जगह रेड कलर भरा जाता है वहाँ पे आप रेड कलर करेंगे। ओके, जैसे ये एप्पल का डायग्राम दिया बच्चों फर्स्ट, इसमें या इसके स्टेम और ये लीफ जो है ये तो ग्रीन कलर की है, ओके, ग्रीन कलर इसमें फिल किया हुआ, लेकिन एप्पल किस कलर का होता है बच्चों, रेड कलर का, तो आपको इसमें पूरा अंदर रेड कलर फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो में ऊपर बच्चों ये ग्रीन होता है और बाकी टोमेटो कैसा होता है रेड, तो इसको आप रेड कलर फिल कर देना। नेक्स्ट है बच्चों लेटर पैड, लेटर बॉक्स जो होता है, लेटर बॉक्स में बच्चों यहाँ ब्लैक, ये ब्लैक और ये जो होता है ये तीन चीज़ें, ये तो ब्लैक कलर की होती है, यहाँ इसमें ब्राउन कलर फिल किया हुआ है, लेकिन ये बीच में जो खाली जगह है बच्चों इसमें आपको रेड कलर फिल करना है। ओके, नेक्स्ट ये रोज़ बच्चों रेड कलर का होता है, आपने इसकी ये स्टेम और लीव्स तो ग्रीन कलर की है ऑलरेडी, कलर की भी है तो इसको छोड़ देना, और जो ये पूरा पोर्शन जो ये रोज़ का ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको आप पूरा रेड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी बच्चों, इस पर ग्रीन कलर और यहाँ पूरा रेड कलर करना है आपको, तो आपको इसमें क्या करना है बच्चों, जो भी डायग्राम दिए हैं उसमें केवल रेड कलर आपको फिल करना है। ओके, कलरिंग का काम ही है आपको, केवल रेड कलर इनमें सब में अच्छे से सफाई से कलर बहुत अच्छे से करना है बच्चों, कि आपके डायग्राम पिक्चर्स के बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाहर बहुत सारा बाहर फैला दिया आपने, ठीक है ना, और आप या फिर तो वैक्स कलर करेंगे और या पेंसिल कलर, इन दो कलर्स के अलावा आप स्केच कलर नहीं करेंगे। ओके, स्केच कलर क्या होता है बच्चों, इसमें पीछे छप जाता है, आपका पेज ख़राब हो जाता है, तो आप पेंसिल कलर या वैक्स कलर से इनको रेड करेंगे पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी शीट 19, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए बच्चों। इसमें आपको दिया बच्चों कलर ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द पिक्चर दैट लुक ग्रीन इन कलर। इसमें आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी आपने रेड वाला किया था, इसमें आपको केवल ग्रीन कलर करना है। ये पिक्चर से डायग्राम दिए हैं जिनमें आप जानते होंगे अच्छे से, आपने भी देखा होगा कि किन किन में किस किस जगह पे ग्रीन कलर होता है। जैसे ये पैरेट का डायग्राम है बच्चों, तो यहाँ स्टेम में ब्राउन हो गया, ये जो ग्रीन होती है इनकी लिप्स और इसकी ये जो पीक होती है ये तो रेड होती है, तो ये तो इस पर कर रही हुई है ऑलरेडी। आपको केवल ये जो पैरेट का जो ये पोर्शन ग्रीन पोर्शन है पूरा, इसको आपको ग्रीन कलर करना है इस तरह से, फिनिशिंग से सफाई से आप अच्छे से करेंगे बच्चों, कलर को फैलाएंगे नहीं, बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। पैरेट को ग्रीन कीजिए, उसके बाद गुआवा, गुआवा में आप देखिए बच्चों लीफ को थोड़ा सा ग्रीन डार्क ग्रीन कर दिया और बाकी ये लाइट ग्रीन कर देना इस तरह से ग्रीन कलर। ग्रेप्स इसमें ब्राउन है यहाँ पे और यहाँ ग्रीन कलर कर देंगे, तो आपको ग्रेप्स ग्रीन कलर के करने। अब ये जैसे बच्चों बिटर गार्ड है, बिटर गार्ड को आप डार्क ग्रीन कलर कर देना, ठीक है, लाइट और डार्क दोनों ग्रीन कलर आप कर सकते हैं, तो ये ग्रीन कर दिया। एक डायग्राम है बच्चों ये लोटस का, इसमें लोटस तो पिंक कलर का है बच्चों, लेकिन जो इसकी ये जो लीफ होती है ये ग्रीन होती है, तो इसको आप ग्रीन, इसको और इसके स्टेम को ये ग्रीन कलर से फिल कर देना। ओके, अब ये बच्चों ग्रास दी है, इसको आप ग्रीन कर देना इस तरह से, तो आपको इस वाली शीट में बच्चों ग्रीन कलर फिल करना है सब में। ओके, लाइट या डार्क ग्रीन आपको इनमें कलरिंग करनी है, तो सफाई से आप कलर करेंगे, फैलाएंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर 20, एक्टिविटी शीट नंबर 20 में बच्चों आपको कलर ओनली दोज पार्ट ऑफ दी पिक्चर दैट लुक येलो इन कलर। आपको यहाँ पे जो डायग्राम्स दिए हैं बच्चे उनमें केवल येलो कलर आपको फिल करना है। देखिए तीनों पेज आपके एक से हैं, जैसे फर्स्ट पेज में आपको उसमें रेड कलर करना था, उसके बाद ग्रीन करना था, और अब इनमें सब में येलो कलर आपको फिल करना है। ओके, देखिए बच्चों जैसे ये सनफ्लावर दिया है, तो आपको इनमें लीव्स में इसकी जो होती है इसमें फ्लावर के अंदर येलो कलर इस तरह से फिल कर देना। बनाना येलो कर देना पूरा अच्छे से, वैक्स कलर या पेंसिल कलर ही करना है, ठीक है। और नेक्स्ट ये सन बीच में से अंदर से येलो कर देना इसको। मैंगो येलो करेंगे अच्छे से। पपाया येलो कलर से फिल करना है सफाई से, देखो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा है, गंदा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से आप अच्छे से धीरे धीरे स्मूथली चलाते हुए फिल करेंगे। फिर इसके बाद आपको पम्पकिन ये भी येलो करना है बच्चों। नेक्स्ट लेमन है, इसको भी येलो कलर कर देना, ठीक है। तो इस पेज में आपको, इस एक्टिविटी में आपको पूरा येलो कलर से इनको सबको फिल करना है, फाइन। तो यहाँ तक आज मैंने आपको 5 पेज कंप्लीट करा है बच्चों, 16, 17, 18, 19 एंड 20 एक्टिविटी शीट नंबर 20 तक आपको ये 5 पेज आज आपकी इस
वर्कशीट जो है इसमें कंप्लीट करने। ओके, थैंक यू।